नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिलाप है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल MG Entertainment पर। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। जरा आप इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। राधा, मैं और तुम कार में हैं। इस सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस एक नो एक्शन का सेंटेंस है, जिसमें कोई भी क्रिया यानी कि वर्ब नहीं है। वर्ब यानी कि चलना, उठना, भागना, दौड़ना, ऐसी कोई क्रिया इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों, इसमें राधा, मैं और तुम तीन सब्जेक्ट हैं, तीन जनों की बात हो रही है। एक राधा की, एक मैं और एक तुम, और ये तीनों किस में है? कार में। ये है सेंटेंस। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, वैसे साधारणतः बच्चे इसकी इंग्लिश बनाते हैं, राधा आई एंड You are in car, right? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब किसी सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हों, तो सेंटेंस की इंग्लिश बहुत सावधानी से बनाइएगा, right? इस सेंटेंस के अंदर तीन सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, जिसका नाम है फॉर्मूला नंबर 231। अगर आपने इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज नहीं किया तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, ये सेंटेंस आपका गलत है। अगर आप इस सेंटेंस को सही करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, राइट? देखिए, दो, तीन और एक का यहां पर मतलब है पर्सन से, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, सेकंड पर्सन होता है यू, फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और एक नाम, यानी कि किसी का कोई नाम। ये एक टेबल है जिसको आपको समझना है। यानी कि सेकंड पर्सन यानी कि यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं डायरेक्ट कैमरे के उस तरफ, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। अगर मैं आपसे बात करूं किसी तीसरे पर्सन के बारे में तो वो हो गया थर्ड पर्सन, राइट? तो यहां पर हम ध्यान से देखें तो यहां पर मैं यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तुम यानी कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, और यहां पर एक थर्ड पर्सन भी है राधा, और हम तीनों कहां पर है? कार में, राइट? तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी तो उसमें हमें 231 का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसकी राइट इंग्लिश क्या होगी। ये टॉपिक आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं या नहीं बोल पाते तो भी आपके लिए टॉपिक बहुत जरूरी है। अगर आप बोल लेते हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक टीचर हैं तो भी आपके लिए टॉपिक बहुत जरूरी है। और अगर आप मान लीजिए कि आपने इंग्लिश सीख ली है, ग्रामर से आप सीख रहे हैं, अभी एक लर्नर हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। कोई सेंटेंस फ्रेम करने से पहले आपके माइंड में ये टॉपिक होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम 231 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट? 2, 3 और 1, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें यानी कि सेकंड पर्सन को सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी, यानी कि तुम, मैं बनाऊंगा यू, राइट? उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन यानी कि हम राधा के बारे में बात करेंगे, यू राधा। फिर मैं बोलूंगा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, यू राधा एंड आई आर इन कार। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब ये सेंटेंस शुद्ध है, 100% करेक्ट हो चुका है, राइट? तो ये गलती ना कीजिएगा, इसको सही से समझ लीजिए। अब मैं आपको इसी के जैसा एक दूसरा उदाहरण देता हूं, लेकिन उसमें फॉर्मूला चेंज होगा। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा हो तो हमें फॉर्मूला नंबर 231 का यूज करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताता हूं, वो फॉर्मूला है 1, 2, 3, यानी कि फॉर्मूला 123 का। अब वो फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। फॉर्मूला नंबर 123 का यूज हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो और वाक्य के अंदर कोई दोष होना चाहिए। यस, वाक्य के अंदर कोई दोष होगा तो वो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मूला 1, 2, 3 यानी कि 123 के आधार पर किया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर या एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ये कैसे करेंगे, राइट? तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब मैं इस सेंटेंस के अंदर एक चेंज करूंगा, राइट?
मैं यहां पर इसे मिटाऊंगा और मैं यहां पर लिखूंगा राधा, मैं और तुम चोर हैं। आप सोच के देखिए, मैं आपको बोलूं आप चोर हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप मुझे बोले मैं चोर हूं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये चोर वर्ड ही ऐसा है कि इसके अंदर खुद में एक दोष है, कोई भी ये वर्ड अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगा, राइट। यानी कि इस वाक्य के अंदर ये चोर एक दोष है, और अगर किसी वाक्य में कोई दोष हो तो फॉर्मूला 1, 2 और 3 अप्लाई किया जाता है, ना कि फॉर्मूला 231। 231 यूज ना कीजिएगा, फॉर्मूला 123 यूज कीजिए। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई दोष नजर आता है तो, और सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, यहां पर सब्जेक्ट 3 है राधर। तो अब हमें क्या करना है, रूल नंबर 123 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन को इसमें से ढूंढेंगे। हमारा फर्स्ट पर्सन है मैं, यानी कि मेरे बारे में बात हो रही, तो मैं सबसे पहले दोष को अपने ऊपर लूंगा। दिस इज द फर्स्ट रूल दैट वी हैव टू यूज इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। मैं आई यानी कि दोष अपने ऊपर लूंगा पहले, देन मैं यूज करूंगा टू यानी कि सेकंड पर्सन जो कि तुम है, यानी कि मैं बोलूंगा आई यू, और उसके बाद मैं लगाऊंगा एंड थर्ड पर्सन यानी कि राधा, आई यू एंड राधा। उसके बाद मैं लगाऊंगा आर, क्योंकि तीन सब्जेक्ट हैं तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग प्लूरल हम हेल्पिंग वर्ब या टाइम ऑफ वर्ड यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे आई यू एंड राधा आर, एंड चोर के लिए ज्यादा है तो हम लगाएंगे टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स। तो आई यू एंड राधा आर थीव्स, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर हिंदी, राइट। तो इस हिंदी की ये एकदम एक्यूरेट इंग्लिश है, आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, राइट। तो फॉर्मूला नंबर 123 और फॉर्मूला नंबर 231 का यूज करके आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करें, आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको। सेंटेंस में सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा हो तो आप फॉर्मूला नंबर 231 या 123 का यूज करेंगे। 123 का यूज आप तभी करेंगे जब सेंटेंस के अंदर कोई दोष हो, राइट। अगर वाक्य में कोई दोष है तो फॉर्मूला नंबर 123 का यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन लगाएंगे, राइट। तो इसी के साथ इतनी थी वीडियो, मैंने को आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना था, मैं दे चुका हूं। जल्दी मिलूंगा आपके साथ दूसरी जबरदस्त वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, शेयर करने से हमारी जो नॉलेज होती है वो और बढ़ती है, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।